नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल घरेलू टेक्निक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं घर के गमले कैसे बनाएं आसानी से। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना दोस्तों। 5 मग हमने रेती ले लिया, 2 मग सीमेंट मिला लिया। बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए इस तरह से हमने टप ले लिया है और इसमें ऑयल लगा लेते हैं इस तरह से। पास किसी तरह की ऑयल हो आप उसे यूज कर सकते हो। साने से गमला साने से निकल जाता है। ऑयल हमने लगा लिया है। इस तरह से हमने सूखा सीमेंट लेके चारों तरफ लगा लिया, इसलिए लगाते हैं कि हमारा गमला आसानी से निकल जाए, बाद में कोई दिक्कत ना आवे। सीमेंट को हमने चारों तरफ अच्छे से लगा लिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना हमारी वीडियो आप सभी को कैसी लगी। माल बना के रख लिया है, हम इस तरह से इसमें डालते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इस तरह से टेप में लगाते जाएंगे। इस तरह से हमें बनाना है। जो हम घर के गमले बनाते हैं वह बहुत ही मजबूत होता है, क्योंकि हम उसमें सीमेंट ज़्यादा मिलाते हैं। जो हम मार्केट से गमला लाते हैं वो इतना मजबूत नहीं होता, क्योंकि उसमें कम सीमेंट मिला रहता है। इसी तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करके साइड में चिपकाते जाना है और इस तरह से हमारा गमला बन जाएगा। गमले को बनाने के लिए हमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती, कम टाइम में ही गमला हमारा तैयार हो गया। देखो इस तरह से हमने बीच में काड़े कर दिए, सूखा सीमेंट डाल दिया, चारों तरफ हमें इस तरह से सीमेंट डालते जाना है। गमले को साफ रखने के लिए, चिकना करने के लिए हम सूखा सीमेंट डालते हैं। इस तरह से फिर हमने इसको बना लिया। ये हमारा गमला बन गया। अब हम इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। एक दिन हमने सूखने के लिए छोड़ दिया था, दूसरे दिन हमने धूप में रख दिया और इस तरह से हम निकाल लिया। आसानी से ये निकल गया। देखिए मेरा हमारा गमला बन गया। इस तरह से आप घर पे ही गमला जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा बना सकते हो। इसे हम टुवाल से ढक देंगे और इसके ऊपर से पानी डाल देंगे। इस तरह से हम पानी डालते जाएंगे। 2 दिन हम इसे पानी डाल के पकने के लिए छोड़ देंगे। इस गमले में जहाँ सीमेंट नहीं पहुँचा था वहाँ हमने सीमेंट भर दिया। इतना अच्छा लग रहा है, इसे हम कलर करेंगे। इस तरह से हमें कलर कर लेना है। आप अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। हमारी आज तक की वीडियो कैसी आप लोगों को लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।